उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी हिंसा के बाद और आगजनी के बाद सेंट्रल फोर्सेस को वहां भेजा गया है और वहां कर्फ्यू लगा दिया। स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट सब आज के लिए बंद करे गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या बात हो गई जो हल्द्वानी में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतनी बड़ी आगजनी हो गई। गुरुवार को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध मदरसे को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। वहां के लोगों ने प्रशासन की टीम पर हमला किया, पुलिस पे पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम भी फेंके गए पुलिस प्रशासन पे। भारी भीड़ और लोगों के गुस्से के कारण जो अवैध तरीके से मदरसा बना था उसको तोड़ने का काम रोकना पड़ा प्रशासन को। लेकिन एक बार फिर प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच जो अवैध तरीके से अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर जो मदरसा बनाया गया था उसको गिरा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और पब्लिक के पत्थरबाजी के कारण एसडीएम समेत दर्जनों पुलिस कर्मी और कई सारे निगम कर्मचारी भी घायल हुए। भीड़ ने पुलिस थाने को भी आग के हवाले कर दिया और आज प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, जिसके भड़कावे पर जो भीड़ थी उसने प्रशासन पे हमला बोला, पुलिस कर्मियों पे हमला किया, कर्मचारियों पे हमला किया और हल्द्वानी के मामले को खराब करने की कोशिश की गई। ये जो तस्वीर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के लोगों ने आगजनी की है और ये आप गाड़ियां देख सकते हैं पुलिस कर्मियों की, उन पर हमला किया गया है। बुलडोजर जो आए थे तोड़ने के लिए उस पर भी हमला किया गया है और इस बवाल पर सख्त एक्शन लिए गए। बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, स्कूल को बंद कर दिया गया है, सूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, पहले मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है वहां पर। प्रशासन उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने भीड़ को उत्साया कि वो पथराव करे, बवाल करे, आगजनी करे। इस हालात के बिगड़ने के बाद जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा इसमें इंटेलिजेंस के सीनियर अफसर थे। उसमें यही बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया गया और जो भी इसमें दखल अंदाजी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, मामले की जांच कर रही है और जो भी इस हिंसा में शामिल थे उन पर सख्त एक्शन लेने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वो कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उन पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। इस मामले में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और जब तक ज्ञान के अंधे ना बने